महेश शांत क्यों रे मकरंद मेरे कुत्ते को छेड़ता रहता है हमेशा हा? ये लो सब मिल गया सिर्फ ऑलिव ऑयल रह गया वो कल लेकर आऊंगा। अरे थांबा मैं करता हूँ। अरे नहीं नहीं तू रुक इधर ही रुक। पैसे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी में तू? हाँ सैराट देखने। सैराट अच्छी है क्या? अच्छी बहुत अच्छी बोलो मैं खुद तीसरी बार देख रहा हूँ आपको भी एक बार देखना ही चाहिए। और ये क्या है क्या है आज? मेरे बेटे का बर्थडे है। कौन वो अमेरिका वाला? नहीं छोटा वाला। ओ क्या हुआ तुझे लेट हो रहा है ना? अरे काज ताई कितना बात करते हो आप ये रोको मैं बाद में आके खाऊंगा इसको। चलो आता हूँ। एवढा दूर एकटीच राहते काय म्हातारी? दरवाजा बंद करून बापरे कुत्र पण इकडे भीती वाटते का कुत्र्याची? मी कशाला घाबरू? ये सुनंदा चंद्रा जी का घर? मैं हूँ। आप? सब इंस्पेक्टर समीर मलिक और कांस्टेबल श्रुति शिंदे फ्रॉम गोरेगांव पुलिस स्टेशन। आपके केस के सिलसिले में जरा बात करनी थी आपसे। बात फोन पे भी कर सकते थे। फोन किया था आपको आपने उठाया नहीं। कोई एक जन अंदर आ जाओ। आप जाओ मैं रुकती हूँ। जूते बाहर निकाल के आना। बताइए ऐसी क्या बात हुई जिसके लिए आपको इतना दूर आना पड़ा? जी श्रुति श्रुति हाँ बैग इन्हें पहचानती है? नहीं तो क्या है ये किसका है ये? देखिए तीन दिन पहले गोरेगांव पुलिस को आरे कॉलोनी के अंदर से लाश मिली। चेहरा अनरिकग्नाइजेबल था आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो जब ये लाश हमारे पास भेजी गई शनाख्त के लिए क्योंकि बॉडी टाइप और जो रिंग वहां से मिला वो आपके डिस्क्रिप्शन से काफी मेल खाता है तो एक बारी पूछने के लिए आना पड़ा।
मतलब कहीं भी किसी की भी अनआइडेंटिफाइड लाश मिलेगी कि तो वो मेरा बेटा होगा? ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी सिमिलैरिटी है तो... सिमिलैरिटी है तो क्या हुआ? ना ये मेरे बेटे का है और ना ही ये मेरा बेटा है। आइंदा ठोस सबूत मिले बगैर यहां मत आना, बेवजह मेरा टाइम वेस्ट होता है। टाइम हमारा भी वेस्ट होता है मैडम, मुंबई से यहाँ आने में 5 घंटा लगता है। We are doing just our duty. ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग? 4 साल से मेरा बेटा लापता है और ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग? देखिए मैम, 4 साल में किसने क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता। अब ये केस मेरे पास है, I'll try my best to find him. तो जाओ मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ, यहां बैठकर बकबक क्यों कर रहे हो? गलती मेरी है, सब लोग कह रहे थे ना वही सही था, आपको गोरेगांव स्टेशन बुला लेना चाहिए था, हम कहीं यहाँ पर आए। कभी कभी ना मैं दूसरों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लेता हूँ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। चलो श्रुति। सुनो, रुको एक मिनट। नहीं नहीं, देखो मना मत करो, आज मेरे बेटे मनन का बर्थडे है, लो। ये लीजिए केक। थैंक यू। मेरी बातों का बुरा मत मानना, वैसे गुस्से में मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपका गुस्सा होना जायज है मैम, लेकिन बगैर आपके कोऑपरेशन के केस भी कैसे सॉल्व होगा? ना उसके दोस्तों को कुछ पता है, ना कंपनी वालों को, ना आपको। अचानक से एक आदमी इस कदर गायब कैसे हो सकता है? उसे कोई परेशानी थी, कोई प्रॉब्लम था, मतलब किसी से झगड़ा, आपसे कुछ बात की थी? बोलता कहाँ था वो? वो गोरेगांव में, मैं यहाँ बदलापुर में। अच्छा, अलग क्यों रहते थे? हेलो उर्मिला। हाँ, वो रहते ना भिशिला। श्रुति, वहाँ जाके बात करो। सॉरी साहब। हाँ चल के जीवन। हाँ आप कुछ कह रही थी। कितनी बार एक ही बात बोलो। हेलो। हाँ मम्मी बोल। हाँ अगर ड्यूटी हो रहे है। माजी का जूनिट लाल वाली नेस्ती में चिकली वाली अगर ड्यूटी वर मी अजून कुठे असणार? काय नाही का, नवीन साहेब आला एक, अजून गरम है ना रक्त। 1 लिटर दूध। हाँ किती? 1/2 किलो। चिकन हो? हाँ कांदे हो? ठीक है। अगर मम्मी ड्यूटी वर ठेव तू फोन। ओके ओके ठेव। का आपकी मम्मी थी? हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप जिस तरह से अपनी मम्मी से बात कर रहे थे। आपके साथ रहती है? हाँ गोरेगांव में। और फादर? फादर नहीं रहे। ओ सॉरी। ठीक है, बहुत साल हो गए। अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। लकी है आपकी मम्मी। शायद अच्छा मैडम, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अरे पूछो ना, बुरा मानने की क्या बात, पूछो। आप अपने बड़े बेटे के साथ क्यों नहीं रहती यूएस में? बेकार में परेशान होगा वो, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है वहां।
वो लोग बुलाते नहीं आपको? बुलाता है, लेकिन 10 बार फोन पर बुलाने से मैं नहीं जाने वाली। अगर उसे मेरा साथ चाहिए तो उसे यहां आना पड़ेगा, और अगर 10 साल मेरे बगैर खुश रह सकता है तो वहीं खुश रहे। लेकिन मैम, मुझे लगता है कि इस उम्र में अकेले रहने से अच्छा है कि किसी अपने के पास रहें। मेरा महेश है ना? महेश कौन? मेरा कुत्ता महेश। अच्छा। लेकिन कभी कभी लगता है अगर उससे खोल दूं तो वो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। अरे रहने दो, रहने दो, अब खराब हो गया होगा, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। बंगला एकदम मस्त है, पण एकदम हिंदी पिक्चर मध्ये दाखवतात ना तसा। आपण पिकनिक करायची काय? मजा येईल ना? ये लो। ये क्या है मैम? ये बोनसा है। लेकिन इसको ऐसे वायर्स क्यों बांधे? इसका ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए। वायर से हम इसे मनचाहा शेप दे सकते हैं, वरना आड़ा त्रीड़ा बढ़ता रहेगा। नया है? नया नहीं, 25 साल पुराना है। तो बंगला एवढा छान आहे, पण म्हातारी कसली सटक आहे। मला आत नेऊन दिली ना तिने, आणि वरत साहेबांना पण सुनवली। मी असती तर एक मुस्कडा दिली असती ना तिच्या। ए ठेवते का जरा? मनन को पार्टी करना पसंद था, घर से महीनों महीनों बाहर रहना पसंद था, फिर मेरी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना भी उसे बहुत पसंद था। नहीं नहीं, इसके अलावा मतलब इसी स्पेसिफिक कोई चीज या खास हॉबी? उसकी बचपन की कलेक्शन है, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, सब जगह जाना था उसे घूमने के लिए। ये डायरी आपने पहले क्यों नहीं दी पुलिस को? किसने पूछा ही नहीं। मैं इसे रख सकता हूँ? नहीं साहब, एक मिनट बाहर रहता का जरा। वहां अंदर कोई है क्या? पंप हाउस में? नहीं तो क्यों? नहीं, अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई और विंडो से भी दिख रहा है कि कोई है अंदर। कौन हो सकता? वो पता नहीं ना, वो तो पता करना है। आप चाबी लेके आइए। देखो, इसकी बात कर रहे थे। और कुछ देखना है इंस्पेक्टर? सब इंस्पेक्टर,
श्रुति आई थिंक अभी हमें चलना चाहिए। मैडम ये क्या है? ग्रास कटिंग मशीन है। थैंक यू मैडम, केक अच्छा था। सॉरी मैम, बेटी की बरसी पे जन्मदिन पे परेशान किया, कुछ पता चले तो बताता हूँ आपको। बाय। चलो क्या होता तिथ बुजगाव होत, चार चौघात लाख काढायची काम करता। हो माझं चुकलं, मी यायलाच नको होतो, फालतू वेळ गेला। ड्युटी करताय तुम्ही, फालतू वेळ गेला। ड्युटीवरच आहे हो, पण सगळे नको म्हणत होते ना, तरी पण घेऊन आलात मला, ते पण ट्रेन मध्ये धक्के खात। तर परत जाऊन जेवण दोन बनवायचे, भांडी पण हॅपी बर्थडे मनन।